नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। बढ़ती महंगाई और 3 कृषि कानून के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा किसान के आह्वान पर कल आयत उपमंडल कार्यालय परिसर में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय मार्ग कैंची चौक से हुई। प्रदर्शनकारी किसान गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय परिसर पहुंचे। वहां उन्होंने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरती पर लेटकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता गुरनाम सहारण महेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों के साथ साथ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिसका असर किसानों और कमैरा वर्ग के लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और बढ़ी हुई महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कलायत से हमारे संवाददाता कुलदीप परमार की रिपोर्ट। ये एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम है, वो लगातार दिन प्रतिदिन वृद्धि करते जा रहे हैं। आज जो गरीब किसान मजदूर है उनके मुंह से निवाला छीना जा रहा है। इस महंगाई के खिलाफ आज ये प्रदर्शन है और सरकार को हमने घुटनों के बल पर आकर के ये दिखाने का काम किया है कि इस देश की जनता को घुटनों के बल पर मत लाइए, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। क्या रणनीति तय की गई है, किनको ज्ञापन सौंपा? क्या हमारा प्रदर्शन कलायत कैंची चौक से शुरू होकर के एसडीएम कार्यालय तक एक विरोध स्वरूप रोष निकाला गया है? आज ज्ञापन देने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये आज का प्रोग्राम था। और आगे संयुक्त किसान मोर्चे का जो आह्वान है 17 तारीख का, उसकी जैसे भी जो रणनीति बन करके आएगी उस पर अमल करने का काम कलायत का और कैथल का संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। हमने कहते सुने थे फोगण में सुहाई पे झूठ लिए करते, इनके पूरे पूरे पे भी नहीं उठी। मतलब किसान कई मरण का कगार पै रहा है। ये जे काले कानून वापिस नहीं हुए, या तो मर जाओ और या कर जाओ, ये किसान की यही नीति है। साल लागो चाहे साल लागो, मतलब ये काले कानून वापस।